डिफेंडर आ कब रही है तो भाभी को कौन सी पसंद है? डिफेंडर ज्यादा पसंद है फॉर्च्यूनर। मैंने सुना आप इसको सेल कर रहे हो। बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, मैंने जो सोचा नहीं था मेरे को उतना मिल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे साथ में है फॉर्च्यूनर और नंबर देख के मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्च्यूनर किसकी है। और अगर आप लोगों को नहीं भी पता चला तो कोई बात नहीं, हम आपको ऑनर से मिलवा देते हैं। अजय प्लीज फ्रेम में आ जाइए। आई नो मैंने अजय बोल दिया तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इनको अज्जू के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो ये ली कब थी आपने? मैंने 2017 में ली थी। 2017 में ली थी, कितने की पड़ी थी आपको ये? उस टाइम मेरे को 35 लाख के आसपास। 35 के आसपास। कितनी चला ली? 1,40,000 किलोमीटर। अभी आपको घूमने का भी शौक है काफी, तो कहाँ कहाँ घुमाई एक बार थोड़ा ब्रीफ दे दो। छोड़ के नॉर्थ ईस्ट, बाकी सब जगह कंप्लीट हो चुकी है। जगह लिस्ट नहीं कर सकते आप, इतना घुमा लिया आपने। हाँ, मतलब ये है कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर है, बस नॉर्थ ईस्ट छोड़ के। ओके, तो इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे आप गए, पहाड़ों में भी गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सनरूफ की कमी है गाड़ी में? नहीं, नहीं होती कमी। नहीं, सनरूफ का आप गर्मियों में जाएंगे तो मजा नहीं है, सर्दियों में आप पहाड़ों में जाओगे तो ठीक है 1% को लगता है, बट आप ड्राइव करोगे, ड्राइव के एंजॉय कीजिए ना। अगर आपको लगता है कि सनरूफ की जरूरत है तो आप बाहर निकल के खड़े हो जाइए, सुकून तो उसमें चलती गाड़ियों में सनरूफ का कोई फायदा नहीं दिखता। फॉर्च्यूनर ओनर्स अपनी गाड़ी के खिलाफ जस्टिफिकेशन दे ही देते हैं, मैंने देखा है। और सेकंड चीज, सनरूफ नहीं है तो आप छत पे आराम से खड़े हो सकते हो। मैं एक ऑनर से मिली थी, वो कह रहे थे मैं साइड में से निकल जाता हूँ, साइड वे सन नहीं, साइड से निकलना तो देखो वैसे रिस्की है। रिस्की है, एग्जैक्टली, बट ऐसे मजाक की बात थी जो भी थी। तो आपने इसको लेजेंडर बनवाया हुआ है, क्या सोचा कि लेजेंडर बनवा लूं? जिस टाइम लेजेंडर आई थी उस टाइम मेरे पास ये थी और मैंने सोचा कि इसको कन्वर्ट करवाया जाए। ट्राई तो ये था कि पहले मैंने इसको आफ्टर मार्केट ट्राई किया कि आफ्टर मार्केट कराऊंगा, बट आफ्टर मार्केट की जो फिनिशिंग थी, जैसे कि आप बहुत से पार्ट्स ऐसे थे कि जो पेंट होते कंपनी से नहीं आते, जो चीज़ होती है जैसे ये फिनिशिंग थी वो नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद लाइट का जो थ्रो था वो बहुत कम था, तो अगर आपको पता है आप ट्रैवलिंग करोगे तो लाइट तो मेन चीज़ है, लाइट बिना तो नहीं। तो मैंने ट्राई किया कि कंपनी से कराने की कोशिश करो, कंपनी वाले ने पहले तो मना कर दिया, फिर थोड़ा जैक जुगाड़ लगा के भाई ट्राई किया, उन्होंने बोला ठीक है हम कर सकते हैं, बट इनकेस अगर नहीं हुआ तो जो पार्ट्स के आपको पैसे हमें आपको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने मेरे से कुछ एडवांस में 2 लाख रुपए ले लिए थे कि पार्ट्स कल को ना भी लगे तो हमारा कोई नहीं होगा। तो उसमें करते करते इसमें मेरे को 2 महीने लग गए थे गाड़ी को कन्वर्ट कराने के लिए कंपनी से। तो मेन चीज़ ये थी, बाकी इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कंपनी को फेस, क्योंकि कंपनी ने पहले उससे पहले गाड़ी पे काम किया ही नहीं था, और उसके बाद ही 4x4 आई थी, जब मेरी कन्वर्ट होके आ गई थी उसके जस्ट 1 महीने बाद ही 4x4 आई थी। ओके, तो ये जैसे जो लाइट्स वगैरह है ये ओरिजिनल है या फिर ताइवान वाले? ओरिजिनल वाली है, ओरिजिनल टोयोटा की है, क्योंकि मैंने सुना ताइवान वाली में थोड़ा सा लाइट्स का रिस्पांस अच्छा नहीं है। नहीं है रिस्पांस, अभी तो मैं बोला उसको कि उसका थ्रो अच्छा नहीं है। सेकंड, उसमें इसी के अंदर ही इंडिकेटर दिए जा रहे हैं तो रिस्पांस अच्छा नहीं। दूसरा, जो इसकी वायरिंग थी, वायरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। ओके, जो अगर आप मान लो ताइवान वाली होती है वो तो कपलर टू कपलर फिट हो जाती है, उसके 6 पिन की होती है। इस वाली जो नियर इसका 8 पिन का वो है कपलर है, और जो पहले वाली फॉर्च्यूनर थी जो लाइट थी जो इसका कपलर है उसका 6 पिन का। तो वो मैंने जाके करोलबाग से बाहर जुगाड़ी कराया क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन तो कुछ उसका ऑप्शन कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने बोला वायरिंग चेंज होगी, बट वायरिंग से भी वो बात, क्योंकि उसके बाद फिर ECU चेंज हो रहा था तो बहुत लंबा प्रोसेस बैठा था उसका। तो ये सब करवाने का टोटल एक्सपेंस क्या बैठा आपको? अगर बात करें तो 4,26,000 के आसपास। 4,26,000, आपको लगता है कि आपने इतना खर्चा है, सही है, सेटिस्फाइड हो? उस टाइम तो मेरे को लगा, जिस टाइम मैंने इसको कराया कि हाँ चलो मेरे 4 लाख रुपए देके मेरे को, उस टाइम लेजेंडर कुछ 47 लाख के आसपास आ रही थी, बट जब 4x4, क्योंकि 4x4 नहीं थी लेजेंडर उस टाइम, और जब 4x4 आई फिर उस मुझे लगा मैं यार गलत कर लिया, तूने 4 लाख लगाई, इससे अच्छा 2-4 लाख और लगा के लेजेंडर 4x4 आ जाती, बट जब तक थी नहीं, और जब आई, जब मेरी काम हो चुका था, फिर मैं चलो ठीक है अब चल रही है तो चलने दो, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो था नहीं। पर चलो मेरे को ये, मैं ना मतलब मैंने बहुत सारे फॉर्च्यूनर के रिव्यूज वगैरह किए हैं तो मैंने देखा है लोग ज्यादा 4x2 लेते हैं। अभी मेरे को खुशी हुई मैंने देखा कि 4x4 आपने लिया, पर आपका तो ये सीन है कि आपने घुमाया ही बहुत ज्यादा, एक टाइप से घुमाने के लिए आपने गाड़ी ली, ट्रैवलिंग के लिए ही ये गाड़ी ली थी। अगर मैं 4x4, पहले मैंने कभी 4x4 गाड़ी यूज नहीं की थी, बट जिस टाइम मैं इसको देखने गया था उस टाइम मेरे मन में ये था कि लेनी तो 4x4 लेनी है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1 से 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आता है, तो 1.5 लाख रुपए लगा के कम से कम ये तो रहेगा कि अपने कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ 4x4 निकल जाएगी। सही है। ये नंबर की क्या स्टोरी है भाई, कितने का लिया ये आपने? ये नंबर मेरे को 1 लाख रुपए का पड़ा था 2010 में। ये 2010 से मेरे पास है, ये पहले BMW में था। अभी तो इसकी प्राइसिंग बहुत, अब तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बट जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम 1 लाख रुपए की पड़ा था, अब तो बिडिंग हो रही है, अब तो डिपेंड करता है कि कहां तक बिड चली जाए। माइलेज वगैरह का एक बार थोड़ा माइलेज देखो, अगर मैं बताऊंगा लोग विश्वास नहीं कर पाते, बट मैंने इससे 16 की एवरेज भी निकाली हुई है। अरे वाह, बहुत ही प्यार से चलाते हो। बहुत प्यार से चलाता हूं, और ड्राइविंग पे सारा फर्क पड़ जाता है, ऑन हाईवे 16 ऊपर से मैनुअल है,
ये है कि अगर आप मान लो एक टैंक के अंदर मेरी गाड़ी आराम से ना करते करते भी 950 किलोमीटर चल जाती है और मैं उसको अगर पूरा खत्म ना करूँ तो बाकी पूरा हाँ जब रिजर्व में लग जाती है उसके बाद भी गाड़ी में 10 लीटर डीजल बचता है 160 किलोमीटर वो हो गया तो 1100 किलोमीटर के आसपास चल जाती है टैंक में। अभी आपने BMW की बात कर ही ली है तो आई थिंक वो कुछ स्टोरी थी उसकी आप पहले लद्दाख स्टोरी थी ये थी कि जब मैं BMW ली थी तो एक तो मैं 2015 में लद्दाख गया था उसके बाद मेरे दिमाग में था कि यार अपनी BMW लेके जाना बट उस टाइम अभी के रास्ते तो बहुत सही है अभी तो 2 सीटर लेके आराम से जा सकते हैं बट उस टाइम बहुत रास्ते खराब थे तो मैं उस टाइम BMW X1 लेके गया था और इंडिया की पहली गाड़ी थी जो BMW लद्दाख हाईएस्ट उस पे मोटरबल रोड पे गई थी खारदुंगला पे और पेंगोंग लेक पे तो मेरी गाड़ी थी चली गई थी आराम से चली गई थी बट वापस आने में उसका जो खर्चा आया था वो बहुत ज्यादा आ गया था एक बार तो जो जो ले गए वापस आते टाइम बिल बन गए बिल बहुत बना बट उसमें BMW ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे जो उसमें बहुत सारा डिस्काउंट दिया था पर पूरा नहीं दिया बट जितना उनसे बना उन्होंने किया हाँ, पर उनका भी तो नाम हो गया ना बिल्कुल नाम हुआ पहली गाड़ी तो जा रही है रिकॉर्ड तो बनाने सही है। अभी बहुत टाइम से आपके पास कार तो थर्ड रो भी अच्छी तरह यूटिलाइज करके देखी होगी आप बैठे हो कभी देखो मैं तो खुद तो नहीं बैठा हूँ बट हाँ फैमिली में मेंबर बहुत ज्यादा है तो बढ़िया यूज हो रहा है वो थर्ड रो के एक्सपीरियंस से तो बच्चों के लिए तो इनफ है बड़ों के लिए तो नहीं है अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हो तो नहीं बैठ पाए बाकी मैं तो 7 सीटर में अकेला चलता हूँ तो मेरे को तो दर्द है कम यूज होती होगी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने इतने सारे पैसे इसमें लगवाए मतलब मेरे को पता है कि मैंने ना अपनी जैसे मैंने भी फॉर्च्यूनर लिया तो मैंने कुछ लाइट्स वगैरह पता किया था तो 1,80,000 में मुझे लाइट्स कंपनी ने बताई थी लेजेंडरी की। अभी लास्ट मैंने इससे पहले किसी और का भी रिव्यू किया था उन्होंने भी कन्वर्ट करवा रखी है उन्होंने आफ्टर मार्केट करवाई थी तो उन्होंने 1.5 लाख के करीब पूरा काम करवा लिया था तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने इतने पैसे लगा दिए देखो आप कंपनी में जाते कुछ चीजें आपको महंगी पड़ती है बट आपको जो लगता है ना कि हाँ जो चीज भरोसेमंद होती है वो चीज अलग है जो फिनिशिंग मिलती है लाइट का थ्रो मैंने आपको बता दिया था कि लाइट का थ्रो में बहुत फर्क है कंपनी से आपको एक लाइट पड़ेगी 92,000 रुपये के आसपास ठीक है और इसके अलावा आपको DRL पड़ेंगे 35,000 रुपये के एक DRL तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको महंगी तो पड़ती हैं बट आप खुश हो उनको देख के अब मैं कल को किसी से ये बोलूँगा अगर मैं इसको सेल भी करूँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ हाँ मैंने जेन्युइन काम करा रखा है एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जुगाड़ हो या आफ्टर मार्केट हो अगर आप भी कहीं सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाओ उस पर आफ्टर मार्केट काम हो रखा है मतलब बम्पर वम्पर चेंज हो रखे तो आपके दिमाग में ये आएगा शायद गाड़ी एक्सीडेंटल हो इसने क्यों चेंज कराई हो क्या रीजन है अब मैंने तो ये चीज हो रही है बहुत हो रही है तो इस वजह से क्या होता है लोग एक्सीडेंट हो जाती है उसको कन्वर्ट करवा देते हैं बाद में बोल देते हैं मैंने कन्वर्ट करवाई है और मैंने ऐसे आफ्टर मार्केट तो आफ्टर मार्केट आपके दिमाग में रहता है मैं भी कल को अगर मान लो इसको रीसेल करूंगा तो मेरे दिमाग में ये तो रहेगा कि हाँ मैंने कंपनी से कराई मैं बकायदा आपको बिल दे सकता हूँ तो ये चीज हो जाती है उसमें आपको रीसेल अच्छी मिल जाती है आपने इस पे 35 लाख रुपए खर्चे आपको इसका इंटीरियर ऐसा नहीं लगता 35 लाख के साथ जिस टाइम मैंने खर्चे थे उस टाइम तो नहीं लगता था बट अब लगता है अब लगता है बट उस टाइम एंडेवर थी बट एंडेवर के जो मजा है ना एक जो और है वो नहीं है वो आप समझ सकते हो कि भाई किस चीज के लिए बोल रहे हैं जो फॉर्च्यूनर का और है कि फॉर्च्यूनर है वो बिल्कुल सही बात है पर उसका इंटीरियर अगर आप देखो उसी बजट में आती थी बट उस टाइम एंडेवर का जो मेंटेनेंस था और इसका मेरा दिल का फर्क था वो तो है। अब मेंटेनेंस की बात कर ही ली है तो सर्विस तो आपने बहुत बार करा ली होगी तो सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है आपको देखो डिपेंड करता है सर्विस का खर्चा बताऊं तो मैं 8 से 10-11 इतनी बड़ी गाड़ी में मतलब ये तो इसके लिए तो जानी जाती है टोयोटा जाना जाता है आपने जहाँ से गाड़ी ली वहाँ का डीलरशिप एक्सपीरियंस अच्छा है सबसे बेस्ट है जब मेरा उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो सबसे बेस्ट है और आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे कभी उनसे ऐसा चीज नहीं हुई कि जो मैंने उनको बोला उन्होंने मेरे को करके दिया कभी ये चीज नहीं थी कि मेरे को उनसे बहस करनी पड़ी जिस टाइम पे मेरे को गाड़ी चाहिए तो उस टाइम पे मेरे को गाड़ी मिल गई और रिसेंटली अभी एक गाड़ी और कन्वर्ट करवाई है उन्हें मैंने सुना आप इसको सेल कर रहे हो क्यों सेल कर रहे हो मतलब देखो अभी गाड़ी को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 5 साल कम्प्लीट और 5 साल हमारे आपको पता दिल्ली NCR में 10 साल लाइफ हो गई खत्म डीजल गाड़ियों की अब इससे ज्यादा रखूंगा तो इसकी वैल्यू गिरेगी जो अभी मेरे को वैल्यू मिल रही है वो आगे नहीं मिल पाएगी मुझे तो और दूसरा की था कि मेरे को दूसरी गाड़ी लेके आनी है हाँ। जो कि आपको पता ही है तो इस वजह से मैं कहा चलो ठीक है ये जाएगी पुरानी जाएगी तभी तो नहीं आएगी तो ये चीज था तो डिफेंडर आ कब रही है डिफेंडर मैक्सिमम 2 महीने के अंदर तो भाभी को कौन सी पसंद है डिफेंडर ज्यादा पसंद है फॉर्च्यूनर भाभी को मैं आपको बताऊं सीन ये था कि उनको बोला कि फॉर्च्यूनर ज्यादा पसंद है बट जब उनको मैंने दिखाया डिफेंडर को तो इतने साल आपने गाड़ी रखी और फॉर्च्यूनर रखी बिल्कुल तो आपको दुख नहीं हो रहा इसको सेल करते हुए देखो दुख तो होता है अटैचमेंट हो जाती है बिल्कुल अटैचमेंट हो जाती है बट आपको देखना सोचो कि दूसरी भी तो आई है हाँ ये तो अब तो कहते हैं ना अब जैसे मैंने बुक कर दिया तो मेरे दिमाग में ना उसके बारे में ज्यादा चीजें चल रही है कि वो कब आएगी उस समय ये करूंगा वो करूंगा तो वो चीजें चल जाती है बट एक टाइम के बाद अब जब जाने लगेगी ना तब आपको ऐसे सब कुछ फ्लैशबैक होगा मैंने इसके साथ क्या क्या किया कहाँ घूमा
ये चीज मैं भी समझती हूँ यार, गाड़ियाँ खरीदना फिर भी आसान है, उनको देना ना बहुत मुश्किल है। और हम गाड़ियों को इतना रख भी नहीं सकते, कितनी गाड़ियाँ रखेगा बंदा, शौक शौक से बंदा लेहत है बस। अब और 10 सालों की अब आ गया, अब तो वैसे फिर भी राजस्थान में हो, बट ये तो फिर भी दिल्ली एनसीआर में हम तो 10 साल से ऊपर रख नहीं सकते। ओ ये नंबर 7 दे रहे हो यार, रिटेन करवाओ। नंबर 7 नहीं जाएगा, नंबर जाएगा तो फिर मैं भी साथ जाऊंगा उसके। तो नंबर 7 नहीं जाएगा, नंबर रिटेन करवाओगे? रिटेन करा दूंगा डिफेंडर पे, क्योंकि ये भी पहले भी रिटेन हुआ था BMW से। नंबर है भी तो बहुत अच्छा ना, मतलब देना मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके दो तो कोई नहीं। नहीं फिर भी अब जो नंबर से मेरी जान पहचान हो गई है, जान पहचान को देना होगा सीधा सीधा नंबर के हिसाब से। तो अभी आपने फॉर्च्यूनर रख ली, ठीक है, अब इसके बाद डिफेंडर ही क्यों चूज करी आपने लेने के लिए? अब मुझे बताइए फॉर्च्यूनर से ऊपर कौन सा सेगमेंट ऐसा आता है जो इतने ऑफ रोड कैपेबल हो? डिफेंडर ही आता है ना। और सेकंड चीज, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको मानता हूँ सेगमेंट में और गाड़ियाँ भी आती है जो कि अच्छी है, जिनका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बट डिफेंडर एक ऐसी गाड़ी लेगी मेरे को कि जो रफ एंड टफ हर चीज़ को झेल लेगी। और फॉर्च्यूनर को मेरे को चेंज करना था, क्योंकि अब देखो अगर मैं इस चेंज करके फॉर्च्यूनर भी ले लेता हूँ तो सेम इंटीरियर आ रहा है, बाहर से भी सेम है, तो मेरे को इस वजह से वर्थ इट नहीं लगा पैसा फूकना। तो इस वजह से मैं चलो ठीक है अब चेंज कर लेता हूँ, और नेक्स्ट ईयर में भी अगर फॉर्च्यूनर आती है तो फॉर्च्यूनर भी ले लेंगे। अगर आप ऑफ रोडिंग की बात कर रहे हो तो रैंगलर भी चूज कर सकते थे आप, फिर थार ना ले लेता मैं। यही तो इंडियंस की बात है, देखो जुगाड़ तो है ही। अगर मान लो आप 70 लाख रुपए फूक रहे हो और वो एक बजा आपको 18 लाख में मिला, तो 18 लाख वाला लो। 5 डोर की कमी है। हाँ अब तो आ गई 5 डोर भी, टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। अभी जैसे आप कार सेल करने वाले हो तो आपने वैल्यूएशन वगैरह लगवाई इसकी? हाँ लगवाई है मैंने, मेरे को बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, मैंने जो सोचा नहीं था मेरे को उतना मिल रहा है। अच्छा कितने मिल रहे हैं? 25 तो अभी तक तो हो चुके हैं, अब मैं तो सोच रहा हूँ कि बढ़ता रहे। सही है, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा, बट 25 तक तो आ चुके हैं, पार्टी 25 तक आ चुकी है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया। हाँ 25 से देखो 10 लाख रुपए टूटे हैं, अभी आपने मतलब कमियां वगैरह तो आपको पता चली की होगी गाड़ी में, कुछ लगती है या नहीं लगती है गाड़ी में? कमी फॉर्च्यूनर के अंदर सिर्फ 2 है जो कि शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे, और वो भी मैंने अब जाके फेस किया है। एक तो स्टेयरिंग बहुत हार्ड है, मतलब अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको दर्द हो जाएगा, है बहुत हार्ड है। सेकंड चीज की गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा हार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैंने भी फेस की है, सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है जो कि आपको और गाड़ियों में नहीं होगा। हाँ। अगर आप अकेले चल रहे हो, अगर गाड़ी आप अकेले चल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फील होगा वो चीज, अगर गाड़ी फुल है तो फील नहीं होगा। बट मैं ऐसा है कि ट्रैवलिंग करता हूँ, घंटों में फील काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊँ, 2 कमी मेरे को लगी गाड़ी में, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं कि जो कमी हो, और नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं। ना सर्विस से लेके ना कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आई है मेजर आई है जो मेरी वजह से आई है, जो जैसलमेर में आपके वहाँ पे जाके क्लच प्लेट फूक के लेके आता है, ऐसा अदरवाइज और कुछ है नहीं। ये चीज तो है यार, इसके इंजन इतने इतने चल जाते हैं ना टोयोटा के, परेशान नहीं करते हैं। आप ओल्ड गाड़ी भी लोगे ना तो आपको फील नहीं होगा कि इतनी पुरानी गाड़ी है, इतना चली हुई है, मतलब 3-3, 2-2, 2.5-2.5 लाख चली हुई गाड़ियों में भी फील नहीं होता। मुझे कंपनी वाले ने बताया था कि टोयोटा अपनी गाड़ी का जो इंजन वो टेस्ट करता है 25 लाख किलोमीटर, उसके बाद ही होता है, पर मुझे 10 लाख भी चल जाए तो बंदा नहीं। आपने देखा, मैंने बहुत गाड़ियां देखी जो कि 7-7 लाख-8 लाख किलोमीटर चल रही है। हाँ, उनमें कुछ फर्क नहीं चलता। हाँ, और अगर बस इतना है आप थोड़ा थोड़ा सर्विस करवाते रहो। हाँ टाइम टू टाइम, अगर आप काम देखो वो तो है ही, अगर आप टाइम टू टाइम काम कराओगे तो आपकी गाड़ी अच्छी रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, वो तो वही, अगर आप नहीं कराओगे तो खराब होगी। इसके अलावा किट में क्या प्रॉब्लम्स आई थी आप थोड़ा सा? मैं किट मैंने ऐसा था, इसमें पहले तो थी लेक्सस किट थी जब मैंने कन्वर्ट नहीं कराई थी उसके, वो तो मैंने कंपनी से फिटिंग ली थी, और उसके बाद मैंने लगवाई थी इसके अंदर ये किट जो कि आपको निशान दिख रहे होंगे ये, और ये मैंने ऑफ रोडिंग करते समय तोड़ दी, बट उससे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाता है, गाड़ी आ जाती थी यहाँ तक तो कम से कम बहुत नीचे आ जाती थी, ऐसे सेम पीछे था। तो जब ऑफ रोडिंग पे गया तो मैं जब ट्रैवलिंग जैसे मैं लद्दाख जा रहा हूँ या कहीं से वाटर क्रॉसिंग कर रहा हूँ उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो किट सिटी के अंदर तो अच्छी लगती है, पर अगर आप ट्रैवल करते हो तो लुक्स का आप कह सकते हो, बट लुक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ प्रैक्टिकल नहीं है, और ऊपर से वो फाइबर था गाड़ी, अगर आप उसमें कोई छोटा सा ऐसे बंदा कोई बाहर से लात मार देगा तब भी वो टूट जाती थी। ये चीज था, अगर किसको चीज से निकालने थी तोड़ के चला गया। तो बस यार आज की वीडियो यहीं पे थी, अगर इसकी आगे वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो या फिर डिफेंडर की भी वीडियोस देखना चाहते हो तो अज्जू भाई के चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। बाय बाय।